फाइनल रीच जगन्नाथ पुरी धाम। जय जगन्नाथ। काफ़ी दिन वेटिंग करना पड़ा, काफ़ी दिन धाम के दर्शन। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर फोन अलाउड नहीं है एंड सर फोन यहाँ पे रख देंगे और फिर जाएंगे अंदर दर्शन के लिए। तो मिलता आपको कुछ टाइम। अभी जो दर्शन हो गया, अभी हम बाहर आए हैं। बाहर आके जय जगन्नाथ दर्शन अच्छे से हो गया। लाइन काफ़ी था, सब देख सकते हो, एकदम भीड़ है हर जगह। एंड वो रहा हमारा धाम श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और आप सभी के लिए दर्शन कर लीजिए। जय जगन्नाथ। किसी को दे मोबाइल। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सो फाइनली विजिट हो गया एंड दर्शन काफ़ी अच्छे से हुआ। लाइक ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मोस्टली 2 आवर्स तक लगा एंड काफ़ी अच्छे से लगा हुआ। मतलब सेकेंड टाइम था तो एकदम मन एकदम आनंद हो गया। एंड अभी बस होटल जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी किधर देखेंगे, किधर घूमने आएंगे एक बार लास्ट बार। हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। और यहाँ पे खाया जा रहा है फेवरेट दही वड़ा। लाइक दही इसमें वड़ा रहता है एंड उस पर फिर वड़ा और आलू की सब्ज़ी और मटर सब्जी गिरती है, फिर थोड़ा सा दही, थोड़ा सा स्पाइसी चटनी गिर के मिलता है। बस ये खा नाश्ता खा रहे और फिर घूमने जाएंगे और एन्जॉइंग इट पूरी। सो आ गए हम जस्ट पूरी बीच। अभी गुप्त गंगा गए थे और मंदिर के जस्ट पीछे है, उधर में मोबाइल अलाउड नहीं था मंदिर में। लाइक एक पॉन्ड जैसा है वहाँ पे, बोलते हैं गंगा जी का वाटर है। और ये आ गए हम पूरी सी बीच। कल रात को जितना था वेव आज इतना नहीं है, आज थोड़ा कम है, आज एकदम। और ये सब होटल, पहले सब कुछ नहीं था, अभी सब हो गए। व्यू एकदम मस्त सब। और देखिए कितना सब टेंट है, बाली बाली लीजिए पर जय जगन्नाथ। अभी आया है इंद्रदुम्न टैंक पुखुरी। इंद्रदुम्न पुखुरी देख सकते हो आप। लेकिन ये भी एक पॉन्ड टाइप का है भगवान इंद्रदुम्न का। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे फिश है, छोटे मोटे छोटे मोटे फिश। हरे कृष्णा। अभी आ गए नरेंद्र पुखरी। ये भी एक पॉन्ड लेक है और एक मंदिर है। काफी बड़ा पॉन्ड है। तो जस्ट अभी आए हैं मार्कंडेश्वर मंदिर। ये इनका मार्कंडेश्वर का पॉन्ड तालाब है, सूख गया है। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। जस्ट मार्कंडेश्वर टेम्पल। सभी होटल आए हैं, अभी जब फ्रेश हुआ रेस्ट किया, अब भी जा रहा हूँ फूड लाने। लाइक लंच लाते बाहर से यहाँ पे। कल लंच तक इतना अच्छा नहीं था, आज का लंच देखते हैं बाहर लेते हैं। पूरी मंदिर के वहाँ से लाएंगे लंच, देखते कैसा रहता है। जाते फिर आपको, फिर लंच में मिलते हैं या फिर कुछ टाइम बाद मिलते हैं। अभी तो बज रहे हैं दोपहर के 11:40।
जाते हैं मिलते हैं। हेलो, अभी बज रहे हैं लाइक 5:24 इन द इवनिंग एंड अभी हम आए गोल्डन बीच और वो उसका होटल गोल्डन पैलेस उसका ये बीच है। लाइक फेयर 20 rupees लगता है इसमें आने के लिए एंड अभी बस 3 hours का टाइम रहता है। यहाँ पे एंजॉय करो, चिल करो, पीस है एंड नीट एंड क्लीन है, ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। एंड आप देख सकते हो वहाँ पे मेरे पीछे है वॉलीबॉल खेलने के लिए एरिया एंड यहाँ पे लाइक पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है एंड काफ़ी सही एम्बियंस है। और वो रहा हमारा बीच, हमारा बीच नीट एंड क्लीन एंड यहाँ पे लोग भी कम है, बाकी वो पूरी सी बीच में वहाँ पे ज़्यादा आता है। वहाँ पे एक्चुअली एंट्री फ्री है एंड सभी लोगों के लिए। यहाँ पे 20 rupees फेयर रखा है और हमारे होटल कल जो बंद था वो ये बीच था, ये रात को 8 बजे बंद हो जाता है, बाकी वो हर ऑलवेज चालू रहता है। एंड देख सकते हो पूरी पब्लिक एंड सनसेट हो रहा है यहाँ पे और सन। सो जस्ट एंजॉयिंग रिलैक्सिंग डे। काफ़ी क्वाइट है, काफ़ी क्वाइट बीच। लाइक अभी वो वहाँ पे दो लोग स्विम कर रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम आया था तो स्विम किया था, अभी सेकंड टाइम लाइक तबीयत थोड़ा वीक है, ऑप्शन मतलब टाइम मिल रहा नहीं है। बाकी सुबह दर्शन के लिए गए, कल वापस बैक जर्नी है तो इसका टाइम मिल रहा नहीं है, तो अभी बस आज का ही है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। भाई कल तो वापस जाना है और सनसेट हो गया है, लाइक सन डूब गया है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी अभी धीरे धीरे पब्लिक सब आ रही है। अभी जा रहे हैं वापस मंदिर के इधर, थोड़ा शॉपिंग करेंगे फिर बाद में आते हैं वापस। ये है पैलेस, मतलब राजभवन है पूरी का, मतलब पूरी का राजभवन है। एंड अब जाते हैं मार्केट, थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे फिर वापस होटल जाएंगे। एंड मोबाइल का बैटरी भी कम है तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, तो एक बार अगर होटल आएंगे तो फिर आपसे बात करता हूँ। बाय। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। सो अभी जस्ट हम लोग उठे एंड फ्रेशअप हो गया। अभी बज रहे हैं 7:20, लाइक 8 का चेकआउट है एंड ट्रेन है लाइक 10:15 का, तो फिर भी हम लोग लाइक लेट करेंगे, लाइक स्टेशन पर ज़्यादा बैठना नहीं पड़े। बाकी तो कुछ नहीं, चेकआउट कर सकते हो एंड हाँ, जैसे कि ज़्यादा टाइम बात नहीं कर पाया तो पूरी जगन्नाथ टेम्पल में गए, वहाँ पे मंच दर्शन किए, फिर वहाँ प्रसाद खाए। पहली बार प्रसाद खाने मतलब मौका नहीं मिला था, या फिर क्या नसीब में नहीं था बोल नहीं सकते, पर इस बार खाए लाइक उधर का जो भोग रहता है वो महाभोग महाप्रसाद, वो क्या टेस्ट था, लाइक नो गार्लिक नो प्योर वेज ही रहेगा ऑब्वियसली, पर क्या टेस्ट था, एकदम सुपर था, वो खाए। फिर वहाँ पे छोटे छोटे आसपास के अंदर मंदिर है, गणेश जी, हनुमान जी, लक्ष्मी जी, सब मंदिर विजिट किए, नरसिम्हा जी मंदिर, सब मंदिर विजिट किए। विजिट करने के आने के बाद फिर बाद में और छोटे छोटे 5 कुंड गए, 5 कुंड जाके वहाँ पे दर्शन किए एंड फिर आने के बाद वापस से घर पे आ गए, फिर बाहर का खाना खाए, फिर एकदम आउट। फिर कल रात में वैसे बाहर गया था, ज़्यादा चार्ज नहीं था तो फ़ोन चार्जिंग किया, वहाँ पे फिर डिनर करने का लाइक वहाँ पे स्ट्रीट फूड ज़्यादा ट्राई किया, डोसा खाए एंड ऑल चाउमीन खाए, बाकी के स्ट्रीट फूड भी खाए। वो खाने के बाद फिर लाइक करीब कल वॉक अराउंड 10,000 स्टेप हो गया था, तो ज़्यादा एकदम फुल टायर्ड तो आउट हो गया था। अभी मस्त फ्रेश होकर उठाऊँ, अभी जाते हैं अभी बैक टू विलेज, अभी जाना पड़ेगा। लाइक 4 घंटे का ट्रेन ड्यूरेशन है, 10:15 है, अप्रॉक्स दोपहर के 2-3 बजे तक हम पहुँच जाएंगे वापस। बाकी कुछ नहीं, पूरे शहर है, यह है बालकनी, फुल ऑफ एंजॉय हुआ ये जितने भी 2 दिन टाइम स्पेंड किए पूरी में, एकदम पीस, एकदम शांति लगा यहाँ पे। लाइक अभी अगली बार जब भी आऊँगा यहाँ पे वापस आऊँगा, ये तो है। लाइक बीच सी व्यू, कल आराम से नाइट एकदम बैठे थे सी, मतलब बीच साइड में 2-3 घंटा एकदम फैमिली का टाइम स्पेंड किया, अच्छा टाइम स्पेंड किया। लाइक ये टाइम स्पेंड करना ज़्यादा होता नहीं, बॉम्बे में बिजी शेड्यूल रहता है, वर्क एंड प्रॉपर होता नहीं, यहाँ पे एकदम रिलैक्स और अच्छे से टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ। अभी बस कुछ नहीं, अभी जाते हैं फिर लाइक ट्रैवलिंग का दिखाया थोड़ा सा कुछ और फिर अभी लाइट गाँव मिलता हूँ, लिविंग द होटल एंड मिलते हैं आपको स्टेशन में, कोई ब्रेकफास्ट करेंगे एंड फिर जाएंगे स्टेशन एंड फिर घर। तो सही हो गया बट दिस होटल एंड काफ़ी अच्छा पैलेस था, लाइक काफ़ी अच्छा फील आया एंड
अच्छे थे सब, स्टाफ भी सब अच्छे। बाकी होटल प्लीज़ सजेस्ट, लाइक प्लीज़ अब आओगे तो प्लीज़ विजिट। एंड बस मिलता हूँ आपको फिर स्टेशन में। फाइनली वी रीच भद्रक स्टेशन एंड अभी जाते हैं घर की तरफ। अभी ऑटो आ गया होगा, जाते घर की तरफ। सो काफ़ी राइडिंग था जल में, तो काफ़ी गर्म बढ़ गया है, ऊपर से एकदम अनकंट्रोल बेरेबल गर्म हो रहा है, वो हीट वेव्स एंड ऑल। उड़ीसा में आ गया, अभी तक ठंडी चल रहा था पर अभी गरम आ गया। अब जाते एग्जिट करते और जाते घर, फिर आपसे बात करता हूँ। सभी लंच करेंगे साहू होटल में। इसका साहू मटन एकदम उड़ीसा में एकदम फेमस है। लाइक ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस मटन में आता है ये साहू मटन। तो अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। अच्छा, आ रहे हैं स्पेशल इसका चिकन, ये है चिकन, ये है राइस और ये है मटन स्पेशल इसका, और ये है फिश। और यहाँ पे मंजा कर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब वैरायटी और रायता भी दिया है, ये वेज दिया है, ये दिया है, सब कुछ खाते हैं फिर भी देते हैं। हेलो, वेलकम अगेन। अभी बज रहे हैं शाम के 6। लाइक मैं आया था 4 o'clock को, थोड़ा फ्रेश अप, थोड़ा सा नैप लिया। आप सब तो इवनिंग हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। एंड होप जरा वीडियो को ज़रा लॉन्ग नहीं खींचते, थोड़ा सा एंड करते। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक पूरे पूरी के वाइब्स एंड पूरी के जगन्नाथ जी के आपको मतलब एकदम ऑसम लगा। मुझे तो एकदम ऑसम लगा, लाइक मेरा सेकेंड टाइम था पर एकदम मतलब हार्ट टचिंग था। लाइक पूरे ऑल दर्शन करना से लेके पूरे मतलब एक्सप्लोरिंग करना बीच एंड ऑल सब कुछ। एंड होप आप प्लीज़ एंड प्लीज़ ट्राई करें अपने लाइफ में एक वन टाइम पूरी विजिट करना। लाइक ये आप चार धाम में से एक धाम है, प्लस मस्ट प्लीज़ विजिट कीजिए, आपको तभी अच्छे धाम वाइब अच्छे मिलेंगे। एंड और कुछ नहीं, बस जो जो देखने जो जो जा अभी तक जा नहीं पाए वो ये वीडियो के तो देख लीजिए, मतलब टेंपल देख लीजिए। अंदर तो कैमरा ना कुछ अलाउड नहीं है, आप वीडियो देख लीजिए, होप आपको थोड़ा सा अच्छा सा लगे। एंड बस इफ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड कुछ भी कमेंट रहेंगे आपको प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए, लाइक कमेंट रीड करना अच्छा लगता है मुझे। एंड कुछ भी आपके मतलब थाट्स, मतलब कुछ भी आपके रहेंगे थाट्स, फीडबैक कुछ भी रहेंगे वो मुझे अच्छा लगेगा अप्लाई करने में या फिर कुछ चेंजेस करने में। सो बस यही था, आप सभी को अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सभी को मेरी तरफ से बाय, आपका ख्याल रखे एंड हरे कृष्णा। मिलता हूँ आपको एक अगले दिन एक अगले नए ब्लॉग में। प्लीज सबर कराए सर।